देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर फैसला किया गया है। खनन नियमावली में संशोधन हुआ है, इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि अधिक गहरा खनन न हो। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमन्य करने पर मोहर लगी है। भत्ते के रूप में 4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पुरानी वाहन भत्ते में संशोधन हुआ है, अब 1,200 रुपये से 4,000 तक भत्ता मिलेगा, जो पहले 200 रुपये से लेकर 2,700 रुपये तक मिलते थे। चाइल्ड केयर लीव में अब 2 साल में 100% वेतन मिलेगा। व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4,800 रुपये का नया ग्रेड होगा। खनन के ढांचे को लेकर 7 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति मिली है। पंचायत चुनाव से पहले बच्चे और जीत के बाद जुड़वा होने पर जनप्रतिनिधि को अयोग्य नहीं माना जाएगा। मत ये हाउस ऑफ हिमालया आपको अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब इन्वेस्टमेंट समिट में आए थे तो उनके कर कमलों से लॉन्च करवाया गया था ताकि उत्तराखंड में जितना उत्पाद हो रहा है गांव-गांव में उसको एक अच्छा ब्रांड नेम देके लॉन्च किया जाए। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया तो देशों विदेशों में बहुत मांग आ रही है उसकी, और अब इसको अच्छी तरीके से संपन्न करा सकें और प्रोडक्शन भी बढ़ाएँ और क्वालिटी भी बढ़ाएँ। पहले ये निर्णय हुआ था कि ये सरकार काम एक प्राइवेट कंपनी से कराएगी और जो सरकार ने काम करना है एक समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कराएगी। आज ये पाया गया कि सोसाइटी की बजाय अगर सरकार भी एक कंपनी बनाए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और जो उद्देश्य हैं वो अच्छी तरह पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि समिति की जगह जो सरकार ने काम करना है वो कंपनी बना के करेगी। SOS चिल्ड्रन विलेज भीमताल में एक संस्था है, ये बाल देख रेख में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत लोगों ने इसकी सराहना की। इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि एक गढ़वाल में भी इनको 5 वर्ष के लिए इनको कहा जाए ये कार्य करें, और इसलिए 5 साल में इनको करीब 1,24,000 रुपया अंशदान सरकार देगी और 6ठे साल से ये संस्था इंडिपेंडेंटली अपने स्रोतों से कार्य करेगी। चौथा मत भी वित्त विभाग का है, ये व्यक्तिगत सहायक संवर्ग में पदोन्नति के लिए कुछ परिवर्तन किया गया है, स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन किया गया है। पहले 4600 के बाद 5400 का ही स्केल था, अब बीच में एक 4800 का स्केल नया एंटर किया गया है जिसमें पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।